मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका नानी की रेसिपी में। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का लच्छा परांठा। यहाँ पर हमने एक प्याला हमने यहाँ पर मैदा लिया। आप जो भी प्याला लोगे उसी हिसाब से डालें मैदा। यहाँ पर हमने जैसे एक प्याला हमने ये लिया है तो एक ही बाउल हमने ये आटा लिया है। आटे को भी छान लें और मैदा को भी छान लें, हमने दोनों चीज़ छान ली है। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे ये नमक लिया है हमने, नमक आधा छोटी चम्मच लिया है, ये आधा छोटी चम्मच डालेंगे। नमक ज़्यादा ना डालें इसमें वरना ज़्यादा नमक हो जाएगा। यहाँ पर हम डाल रहे हैं दही लिए हमने, एक चम्मच दही लिए, ये दही भी डाल देंगे हम इसमें। यहाँ पर ये सोडा लिया है हमने, ये छोटी चम्मच है उसका भी हमने एक चम्मच लिया। अब इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर ये हमने घी लिया है, देसी घी ले, घर के लिए बना रहे हैं तो ये हम इसमें घी डाल देंगे। ये घी से आटा बहुत अच्छा हो जाता है। घी हमने दो चम्मच लिया है। अब हम इसको मिला देंगे, इसको अच्छे से मिला लें पहले, क्योंकि पानी डालने से पहले सारे आटे में घी का दही का सारा मिल जाए। ये देखिए इस तरीके से सारा मिला लें, बगैर हाथ के तो लगेगा नहीं आटा, हाथ से ही लगेगा। देखिए ये सारा मिल गया है, ये देखिए किस तरीके से मिल गया सारा, हमने मिला लिया। अब हम इसमें पानी डालेंगे, पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाएं, एक साथ पानी ना डालें इसमें, क्योंकि एक साथ पानी डाल देंगे तो अंदाज़ा नहीं रहेगा कि आटा हमारा लग रहा है कैसा लगेगा कैसा नहीं। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी डालें इसमें और ये दबाते हुए इसको थोड़ा और डालेंगे हम इसमें पानी। तो देखिए फ्रेंड, ये आटा हमारा लग गया है। ये देखिए ये डोज हमने तैयार कर दिया है। अब हम इसे ढक देंगे इस तरीके से और हम इसे 15 मिनट के लिए इसी रहिए, इसे रेस्ट देंगे। तो फ्रेंड ये देखिए, हम जैसे लच्छा परांठे की स्टेपिंग बना रहे हैं, ये यहाँ पर हमने ये आलू उबाल लिए। उबालने के बाद हमने ये मसल लिए इस तरीके से आलूओं को। ये देखिए आलू हमने बिल्कुल बारीक कर लिया है। ये देखिए ये हमने पनीर लिया है, पनीर हमने 100 ग्राम लिया है, ये पनीर हम इसमें डाल देंगे। 500 ग्राम हमने आलू लिए, 100 ग्राम हमने पनीर लिया है। यहाँ पर हम डाल रहे हैं अजवाइन के कुछ पत्ते लिए हमने, तो ये हम डाल लेंगे। 5-6 पत्ते लिए हमने, बारीक काट लिए। यहाँ पर हमने ये चाट मसाला लिया है, ये चाट मसाला डाल रहे हैं हम यहाँ पर, एक चम्मच लिया है हमने ये। यहाँ पर हमने गरम मसाला लिया है, ये गरम मसाला हम डाल रहे हैं, एक बड़ी चम्मच हमने गरम मसाला लिया है। यहाँ पर हमने ये नमक लिया है, नमक छोटी चम्मच लिया है, क्योंकि नमक हमने थोड़ा सा आटे में भी डाला है तो ये थोड़ा ही डालें, देखते हुए जैसे आप खाएं उस हिसाब से। यहाँ पर हमने हरी मिर्च ली है, ये हरी मिर्च हमने 5-6 हरी मिर्च काट ली है, कूट ली है ये, क्योंकि काट के डालेंगे तो ज़्यादा मोटी हो जाएंगी, इसीलिए हमने ये कूट ली है थोड़ी। इसके बाद हम यहाँ पर डाल रहे हैं अदरक लहसुन का ये पेस्ट बना लिया है हमने, तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। अदरक लहसुन से आप जानते हैं कि हाजमा भी बहुत अच्छा होता है और वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं ये। यहाँ पर हम लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, क्योंकि हरी मिर्च डाली है तो थोड़ा ही डालेंगे। यहाँ पर हम अजवाइन लिए हमने एक चुटकी, ये अजवाइन भी हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा ही डालेंगे अजवाइन हम। अब हम इन सब चीज़ों को मिला देंगे। फ्रेंड ये देखिए, आटे को हमारे 15 मिनट हो गई हैं, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से जैसे ये उंगली हम डाल रहे हैं इससे जा रही है, ये डो इस ऐसा ही लगना चाहिए। और इसे थोड़ा सा हम एक बार और इसको लगा देंगे थोड़ा सा, क्योंकि रखा रखा थोड़ा फूल गया हमारा आटा, बस इतना ही लगाएंगे। अब हम इसमें से ये पेड़ा बनाएंगे, ये देखिए अच्छा ले लें थोड़ा सा ठीक से। ये देखिए ये पेड़ा बना लिया है हमने यहाँ पर। तो फ्रेंड ये देखिए, इस पे हम थोड़ा सा इसमें ये हमने मैदा डाल लिया, थोड़ी सी आटा भी डाल सकते हैं, मैदा भी डाल सकते हैं, ये हमने इस तरीके से इसको डाल लिया है। ये दबा लें इस तरीके से, थोड़ा सा हम इसको ऊपर डालेंगे। अब हम इसका परांठा बनाएंगे, जैसे हमने बताया हम लच्छा परांठा बना रहे हैं। ये घी लगा लें इस तरीके से, सारे परांठे पे हम घी लगा लेंगे इस तरीके से।
अब हम इसमें हमने ये चिली फ्लेक्स लिए, ये हम डाल देंगे थोड़ी सी इस तरीके से, बहुत अच्छी मतलब देखने में लगती हैं ये देखिए। अब हम इसे ऐसे बना लेंगे इसको, ये देखिए इस तरीके से उठाएंगे और फिर ये पलट देंगे, फिर हम इस तरीके से ये लगाएंगे और फिर हम इसे ये लगा देंगे, ये देखिए ये अच्छे से इसे बना लें इसको। अब हम इसमें थोड़ा सा घी और लगाएंगे क्योंकि लच्छा पराठा बना रहे हैं तो इस तरीके से हमें लगाना पड़ेगा, ये देखिए ये खींच लें अच्छे से, ये देखिए कितना लंबा बना लिया हमने ये। अब इस तरीके से हम मोड़ लेंगे इसको, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये मुड़ गया है। अब ये जो है हमारा लास्ट का, ये हम ऐसे खींचेंगे और इसे अंदर की साइड मोड़ देंगे, नीचे की साइड इस तरीके से इसे हम बना लेंगे। इस पर अभी थोड़ी सी मैदा हम और डालेंगे, ये देखिए फ्रेंड ये देखिए हमने ये इतना बड़ा बना लिया है पराठा। अब हम इसमें ये जो स्टफिंग बनाई हमने आलू की लच्छा पराठे बनाने के लिए, ये हमने इसमें भर देंगे, आलू की स्टफिंग भर रहे हैं हम इसमें, ये देखिए इसमें बहुत ही बढ़िया मतलब बनेगा ये, इस तरीके सारे पे ये फैला लें इस तरीके से। अब इसके बाद हम जो हमने ये दूसरा बनाया ये हम इस पर लगा देंगे इस तरीके से, अच्छे से इसे दबा लें, ये देखिए इस तरीके से ये दबा लिया है हमने। हम ये उठा लेंगे अभी थोड़ा सा, इसमें थोड़ा एक तरीके से हम फैला देंगे इसमें, और यहाँ पर थोड़ा सा हम ये डाल देंगे और अब इसको अच्छे से ये बेल देंगे हम, ये देखिए बहुत बढ़िया लच्छा पराठा बनेगा, ये देखिए ये खूब बड़ा बनेगा, एक में ही दोनों का पेट भर जाए इस तरीके से। तवा हमने गरम कर लिया, ये हमने तवे पर डाल दिया है, अब हम इसे सेकेंगे, थोड़ा इंतज़ार करेंगे। देखिए ये सिक गया, देखिए कैसे बबूले आने लगे हैं इस पर, इसका मतलब नीचे से सिक गया है। अब हम इसको पलट देंगे, ये कितना प्यारा लग रहा है। अब हम इस पर घी लगा देंगे इस तरीके से, घी लगा दें, ये लच्छा पराठा आलू का बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड हमारा पराठा सिक्के तैयार हो गया है, अब हम ये निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड ये पराठा हमारा बन गया है, और ये देखिए किस तरीके से प्लेटें आई हैं इसमें बनके, आलू का पराठा लच्छा पराठा बना है। तो फ्रेंड ये देखिए लच्छा पराठा बनके आलू का हमारा तैयार हो गया है, और यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत बना है, हमने आपको दिखाया भी है, प्लेटें भी आ रही हैं, बहुत अच्छा बना है। इसी तरीके से आप बनाएं घर में लच्छे पराठे आलू के। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।